हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डीसीएस सिस्टम पे एक सीरीज चालू किया हूं जिसका ये तीसरा लेक्चर यानी कि तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं डीसीएस सिस्टम पे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। देखिएगा, कंट्रोल सिस्टम मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट जो होता है वो होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही देखेंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूं। तो देखिएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें कंट्रोल एक्शन सिस्टम के आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल एक्शन जो होता है सिस्टम के आउटपुट के टोटली इंडिपेंडेंट होता है और इसमें कोई भी फीडबैक लूप नहीं होता है, यानी कि कोई भी फीडबैक सिग्नल नहीं होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम से इसको समझाता हूं। तो देखिएगा इस ब्लॉक डायग्राम में क्या है, आपका एक इनपुट है, ये इनपुट आपका कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर यानी कि पैनल रूम में जो कंट्रोलर्स लगे रहते हैं वहां जाएगा, उसके बाद प्रोसेस को जाएगा। प्रोसेस यानी कि जो भी फील्ड में इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जो भी मशीनें हैं वहां पे वो प्रोसेस को जाएगा वो सिग्नल, उसके बाद वो क्या होगा वहां पे उतना एक्ट होगा, उसके बाद वो आउटपुट आपका डीसीएस में मिल जाएगा, उसके बाद वो क्या होगा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको फील्ड में कोई कंट्रोल वाल्व ओपन करना है, उस कंट्रोल वाल्व को आपने सिस्टम से यानी कि डीसीएस से कमांड दिया। और यहां अच्छा एक चीज यहां पे और जान लीजिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमेशा मैनुअल मोड में होता है। यानी कि डीसीएस सिस्टम में जितने भी कमांड मैनुअल मोड में दिए जाते हैं, यानी कि जो भी कंट्रोल वाल्व है, जो भी वाल्व है, जो भी प्रोसेस है, जो भी सिस्टम है, उसको अगर हम मैनुअल मोड में रख के कोई कमांड दे रहे हैं तो सारे मैनुअल मोड के जितने भी कमांड होते हैं वो सारे के सारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक टैंक ले लिया। ठीक है, एक टैंक ले रहा हूं। इस टैंक में क्या करना है, हमको वाटर फिलअप करना है या कोई भी लिक्विड फिलअप करना है। ठीक है, जिसके लिए एक लाइन लगी हुई है ऑलरेडी, और इस लाइन में क्या है आपका एक कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल वाल्व, और कंट्रोल वाल्व क्या है किसी पंप के थ्रू कनेक्ट है, और मान लीजिए पंप चालू है लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे जो कंट्रोल वाल्व है वो क्या है 0% पे, यानी कि बंद है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फील्ड में आपको इस टैंक को भरना है। ठीक है, इस टैंक में पानी लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पंप चालू है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, कंट्रोल वाल्व ओपन करना होगा। ठीक है, कंट्रोल वाल्व ओपन करना होगा, तो आपने आपको क्या करना होगा, डीसीएस सिस्टम से आप क्या करेंगे, इस कंट्रोल वाल्व को एक कमांड देंगे। तो देखिए, ओपन लूप का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको क्या है कि कंट्रोल वाल्व को पहले आपको मैनुअल मोड में आपको इसको लेना होगा, मैनुअल मोड में आपको लेना होगा इस कंट्रोल वाल्व को, उसके बाद आपको इसको कमांड दिए। सपोज दैट कि आपने 75% ओपन का इस कंट्रोल वाल्व को कमांड दिया, तो अब 75% ओपन यानी कि इनपुट दिया 75% का, वो इनपुट कहां गया, सिस्टम कैबिनेट यानी कि पैनल रूम में गया कंट्रोलर को। अब उस कंट्रोलर को गया, कंट्रोलर क्या किया 75% को कैलकुलेट किया, कितना करंट फील्ड में उस कंट्रोल वाल्व को भेजना है, उतना करंट क्या किया प्रोसेस, दैट मींस ये कंट्रोल वाल्व, इस कंट्रोल वाल्व को उसने कमांड भेजा, और उसके बाद ये क्या हुआ, ये फील्ड में क्या हुआ, ये कंट्रोल वाल्व 75% ओपन हो गया, इसका आउटपुट आपको कहां आ जाएगा, डीसीएस में शो कर देगा कि आपका कंट्रोल वाल्व 75% ओपन हो गया, उसके बाद क्या होगा इस टैंक में पानी आना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अब आपने कोई ह्यूमन द्वारा क्या किया, मैनुअल मोड में किसी कंट्रोल वाल्व को आपने कमांड दिया, उसके बाद ये पूरा सिस्टम क्या होगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होगा। आपने कमांड दे दिया 75% ओपन का, पानी जा रहा है, अब जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक इसमें पानी भरता रहेगा, चाहे भले ही ये टैंक ओवरफ्लो क्यों ना हो जाए। ठीक है, भले ही एक टाइम आए कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इसमें पानी भरता जाएगा और ये टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन जब तक आप और ओवरफ्लो हो जाएगा तब भी ये चालू ही रहेगा, मतलब ये जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होगा जब तक कोई ह्यूमन खुद नहीं कंट्रोल करता उस चीज को। जब तक आप खुद नहीं इस कंट्रोल वाल्व को 0% का कमांड देते हैं तब तक ये कंट्रोल वाल्व बंद नहीं होगा, ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है। अब इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लीजिए अभी ठंडियों का समय था, आप पानी गर्म करके नहाते होंगे, तो जैसे मान लीजिए आपका जो
इलेक्ट्रिक कॉयल होता है। अब इलेक्ट्रिक कॉयल को आप क्या किए, बाल्टी में डाल दिए पानी में, उसके बाद आपने स्विच ऑन कर दिया। तो ये क्या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आपने मैनुअली स्विच ऑन किया, और जब तक वो मतलब आप स्विच बंद नहीं करते तब तक वो पानी को हीटअप करता रहेगा। वो क्या करेगा, पानी को हीटअप करता रहेगा, भले पानी कितना भी हीट हो जा रहा है, भले ही पानी वेपोराइज होना चालू हो गया, लेकिन जब तक आप उस क्वाइल को, इलेक्ट्रिक क्वाइल को बंद नहीं करते मैनुअली खुद, तब तक वो सिस्टम क्या हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम समझ गए होंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, बताता हूं आपको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। अब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो देखिएगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो देखिएगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें कंट्रोल एक्शन सिस्टम के आउटपुट पर डिपेंड करता है, एंड इसमें फीडबैक लूप भी होता है, ठीक है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या हुआ कि इसमें सिस्टम का जो आउटपुट कंट्रोल एक्शन यानी कि कंट्रोलर जो होगा वो आउटपुट पर डिपेंड करेगा, सिस्टम के आउटपुट पर डिपेंड करेगा, और इसमें फीडबैक भी होता है, इसमें फीडबैक लूप भी होता है, जिससे क्या होता है ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल कर देता है, ठीक है। ये ऑटोमेशन होता है, और यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं होता है, यहाँ पे मैनुअल मोड होता है, यानी कि डीसीएस से आपने जितने भी कमांड देते हैं मैनुअल मोड में, वो सारे के सारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं, और जो भी आपने ऑटोमेटिक मतलब ऑटो मोड में जो कमांड आपने दे रहे हैं वो किस में आएगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आएगा। जैसे कोई वाल्व को आपने ऑटो में डाल रखा है और उसको किसी टैंक को आपने लेवल मेंटेन करने के लिए कर दिया है कि एक लेवल इतना परसेंट मेंटेन रहे, तो वो ऑटो में रहेगा और वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की कैटेगरी में आएगा, और वो ऑटो में मेंटेन होता रहेगा। अब इसको समझते हैं, जैसे समझते हैं, देखिएगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम से हम समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम में देखिए क्या है, आपने एक इनपुट दिया, इनपुट क्या कहा गया, ये समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट पे गया, उसके बाद आपका कंट्रोलर में गया, कंट्रोलर से प्रोसेस को जा रहा है, कंट्रोलर दैट मींस जो पैनल्स हैं वहां पे जाएगा, उसका प्रोसेस यानी कि फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है वहां पे गया, उसके बाद आउटपुट हुआ, और आउटपुट जो आपको शो कर रहा है उसके बाद फील्ड में जो चल रहा है उसके लिए आपने एक अलग कोई डिवाइस वहां पे लगा रखा है, यानी कि कोई लेवल ट्रांसमीटर, यानी कि कोई भी ट्रांसमीटर है, कोई सेंसर है, जिससे कि आपको फीडबैक मिल रहा है फिर से डीसीएस में, उसके थ्रू ये सिस्टम फिर से कंट्रोल हो रहा है। यानी कि यहाँ पे पीआईडी कंट्रोलर की भी जरूरत होती है, पीआईडी कंट्रोलर होता है, उसके बाद यहाँ पे ट्यूनिंग होती है, काफी चीजें होती हैं, इसके बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब देखिए क्लोज लूप को भी समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सेम इसी तरह एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी एक हमने एक टैंक ले लिया, ठीक है, इस टैंक में हमको वाटर फिलअप करना है। यहाँ पे भी सेम लाइन लगी हुई है, इसमें भी एक कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, इधर से पानी आ रहा है किसी पंप के थ्रू, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, फीडबैक लूप के लिए क्या लग गया, यहाँ पे फीडबैक लूप के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक एलटी लगा दिया, यानी कि लेवल ट्रांसमीटर यहां पे लगा दिया है, जिससे हमको पता चल रहा है कि इस टैंक में कितना लेवल है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि अभी 0% इसमें लेवल है, ये लेवल किसी भी फॉर्म में होता है, एमएम में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो रहा है, परसेंटेज में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी आपने क्या रखा है वहां पे, ठीक है, किस फॉर्म में रख रहे हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए 0% हमने इसको कंसिडर करके चलना है, आपको समझने के लिए हमने 0% मान के चल रहा है कि आपको डीसीएस के फेसप्लेट पे आपको शो कर रहा है कि इसमें 0% यानी कि ये टैंक खाली है, ठीक है। इसके बाद क्या किया आपने, इस कंट्रोल वाल्व को ओपन किया। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पे अब एक क्लोज लूप का हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये ऑटो मोड में रहेगा। किस मोड में रहेगा ये कंट्रोल वाल्व, ये ऑटो मोड में रहेगा, ठीक है, ऑटो मोड में कंट्रोल वाल्व रहेगा, और ऑटो मोड में रहेगा तो ये पूरा सिस्टम एक पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट रहेगा, पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू, यानी कि ये कंट्रोल वाल्व और ये एलआईटी दोनों पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट रहेंगे आपस में, और इनमें लॉजिक रहेंगे कि कैसे कितना लेवल आएगा, तो ये बंद होगा, क्या आपने ऑटो में डालना है वो देखिए लॉजिक क्या है, पीआईडी कंट्रोलर क्या है, इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम समझ लीजिए, पीआईडी यानी कि पी टाइप कंट्रोलर, पीआई होता है, आई होता है, पीडी होता है, वो सब होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, उसको बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी देखिए आपने क्या किया, इसको ऑटो मोड में डाला, और सब आपने ये डाल दिया इसमें ऑटो मोड में लेके कि हमको इस टैंक में क्या है कि इस टैंक में हमको मान लीजिए कि 60% लेवल मेंटेन करना है, इसमें 60% लेवल मेंटेन करना है, ठीक है, 60% लेवल मेंटेन करना है। उस हिसाब से क्या होगा, ये कंट्रोल वाल्व क्या होगा, ये आपने इनपुट दिया, इनपुट क्या दिया आपने, 60% का इनपुट दे दिया, ठीक है। अब इनपुट गया, इनपुट कहाँ जाएगा आपका, ये
इस कंट्रोल बार को ओपन कर देगा, ठीक है, ओपन कर देगा। कैसे ओपन करेगा, किस भी हाँ पे, कि अभी लेवल 0% है तो उस हिसाब से क्या करेगा, ये इसको मान लीजिए 100% स्टार्टिंग में ओपन कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें पानी भरना चालू हुआ और इसमें लेवल बढ़ना चालू हो गया। ये पूरा एक लॉजिक, मतलब पूरा एक सिस्टम बन गया है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हुआ, 100% ओपन हुआ, पानी भरना चालू हुआ, लेवल बढ़ना चालू हुआ, और जैसे मान लीजिए आपने 100% का कमांड दिया, डीसीएस में आपका शो कर रहा है कि 100% ओपन है, ठीक है। आपने 100% का तो एक्चुअल में नहीं दिया, आपने 60% इस टैंक के लिए दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो 100% ओपन हुआ, पानी भरना चालू हुआ, और ये 0% से क्या हुआ, सपोज दैट 20% भर गया कुछ टाइम बाद, तो ये जो 20% हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने सिस्टम इनपुट दिया, इनपुट कहाँ गया आपका, कंट्रोलर में कंट्रोल होके इस प्रोसेस यानी कि इस कंट्रोल वार को गया, कंट्रोल वार के बाद आउटपुट आपका दिखा दिया, और उसके बाद फील्ड में क्या हो रहा है, फील्ड में कितना परसेंट ये टैंक भर रहा है, वो कहां से आ रहा है, ये आउटपुट से आपका आ रहा है फीडबैक, यानी फीडबैक के रूप में हमने यहां पे एक एलटी लगा दिया है, लेवल ट्रांसमीटर लगा दिया है। ये लेवल ट्रांसमीटर आपको बता रहा है कि कितना परसेंट ये भर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करेगा। तो सपोज दैट कुछ समय बाद क्या हुआ कि आपका ये 55% ये टैंक भर गया, तो उस हिसाब से जो पीआईडी होता है ना, पीआईडी हम पीआईडी कंट्रोलर को सेटअप करते हैं कि कितना परसेंट भरेगा, कितना उसके नियर में आएगा, वो रीच करेगा, तो क्या करेगा ये कंट्रोलर धीरे धीरे अपना पोजीशन कम करना चालू कर देगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका 55% हुआ, तो ये कंट्रोलर धीरे धीरे बंद करना चालू करेगा। इसको और अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज दैट मान लीजिए ये 60 हमने डाला था और ये मान लीजिए 62 हो गया, फील्ड में 62% ओपन हो गया, मतलब 62% ये जो टैंक था वो भर गया। अब 62% जब भर गया, 62% तो वो फीडबैक के फॉर्म में यहाँ पे आया समिंग पॉइंट पे। अब क्या होता है, यहाँ पे एक इरर जनरेट होगा, इरर जनरेट किसके बिहाफ पे होता है, तो आपने जो इनपुट दिया, इनपुट आपने कितना दिया है, 60% का इनपुट दिया है, और आउटपुट क्या निकल गया आपका, 62%। तो इनपुट और एक्चुअल, मतलब इनपुट वैल्यू यानी कि जो आपने इनपुट दिया और फील्ड में जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि प्रोसेस वेरिएबल है, उसके बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो ये 62% हो गया, तो 60 और 62 में से 60 को घटाएंगे तो 2% आपका एरर जनरेट हुआ। अब 2% जो एरर जनरेट हुआ, ये 2% एरर क्या करेगा, इस कंट्रोलर को एरर सिग्नल कंट्रोलर को जाएगा, उस हिसाब से कंट्रोलर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा इस प्रोसेस को यानी कि कंट्रोल वाल्व को कि 2% एरर हो रहा है, यानी कि आपका टैंक ज्यादा भरना चालू हुआ, तो उस हिसाब से प्रोसेस में ये सिग्नल गया। अब इस हिसाब से ये क्या होगा, ये कंट्रोल वाल्व धीरे धीरे बंद होना चालू होगा, और जैसे जैसे एरर बढ़ना चालू होगा, जैसे 2 से अब क्या है, पानी तो जा रहा है 62, अब फिर हो गया 64 हो जाएगा, 65 होने लगेगा, तो उसी हिसाब से जैसे बढ़ना चालू होगा उसी हिसाब से कंट्रोलर क्या करेगा, एरर जनरेट किया। ये बहुत मतलब फास्ट होता है ये चीजें, उसी हिसाब से एरर जनरेट हुआ, उसी हिसाब से कंट्रोल वार बंद होना चालू हुआ और एक पूरा बंद हो जाएगा। फिर एक समय आएगा कि मान लीजिए आपने वो डाल दिया है कि इतने, उसमें क्या होता है पीआईडी और पीआईडी कंट्रोलर में एक डाला जाता है फ्लक्चुएशन की कितना वेरिएशन आ रहा है, तो उतना चलेगा, 2-4% का तो चलता है। तो मान लीजिए 65 हुआ, 65% जो है भरा, क्या हुआ, ये कंट्रोलर पूरा कमांड दे दिया 0% का इसको, और ये प्रोसेस में जो फील्ड में जो कंट्रोल वाल्व है वो कितना हो गया, 0% हो गया, यानी कि फिर ये कंट्रोल हो, ये टैंक क्या होगा, ओवरफ्लो होने से बच गया। उसको जैसे जैसे लेवल डाउन होना चालू हुआ, मान लीजिए इसको, इस पानी को आपने कहीं यूज भी कर रहे हैं, यहां से आपने ड्रेन भी चालू कर दिया, तो ड्रेन चालू किया, उसके बाद ये लेवल क्या हुआ, डाउन होना चालू हुआ। जैसे ही 60% से लेवल डाउन होगा, जैसे ही 60% से लेवल क्या होगा, डाउन होगा, वैसे ही क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट यहां पे आपका 50% हो गया, तो आउटपुट से 50% हुआ, तो ये फीडबैक क्या है, एलटी जो है, एलटी इसको सेंस करेगा कि यहां पे 50% हुआ, फिर एलटी इसको सिग्नल देगा कि अब क्या है कि ये लेवल घट गया है, तो वो एरर फिर जनरेट होगा। अब जैसे यहां पे एरर क्या हुआ था, अब इधर के भी टाइप्स होते हैं, माइनस प्लस में होता है, तो उस हिसाब से यहां पे फिर एरर जनरेट हुआ 5% का, फिर वो कंट्रोल वाल्व को गया, कंट्रोलर क्या किया, उसको समझ में आया कि हाँ ये माइनस में सिग्नल आ रहा है कि टैंक डाउन जा रहा है, उस हिसाब से इस ये कंट्रोलर क्या करेगा, प्रोसेस में जो कंट्रोल वाल्व है यानी कि कंट्रोल वाल्व को सिग्नल देगा कि टैंक में, टैंक का लेवल डाउन जा रहा है, तो थोड़ा सा ओपन कर देगा, सपोज दैट 10% ओपन कर देगा इसको कि थोड़ा थोड़ा पानी भरता रहता है। इस तरह क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता रहता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। इसमें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो फीडबैक लगा देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता रहता है और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। तब अब इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं।
अब डिफरेंस में क्या कि इसमें देखिए डिफरेंस अगर देखें ओपन लूप क्लोज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, तो देखिएगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है, कंट्रोल एक्शन जो है टोटली इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के आउटपुट के टोटली इंडिपेंडेंट होता है, बल्कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोल एक्शन होता है यानी कि जो कंट्रोलर होता है सिस्टम के आउटपुट पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका चेंज हो रहा है उसी हिसाब से एरर जनरेट हो रहा है, उसी हिसाब से कंट्रोलर क्या कर रहा है इसको प्रोसेस को सिग्नल दे रहा है कि कम होना है ज्यादा होना है। लेकिन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या हो रहा था, आपने इनपुट दे दिया आउटपुट निकल गया, उसके बाद मतलब नहीं है कंट्रोलर को कि फील्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर क्या होता है आउटपुट के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कि इसमें कोई भी फीडबैक लूप नहीं होता है, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक लूप नहीं होता है, बल्कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है फीडबैक लूप होता है, ठीक है। तीसरा क्या है इजी टू डिजाइन, अब इसमें कोई फीडबैक लूप नहीं है कोई कंट्रोलिंग नहीं है तो इसकी डिजाइन भी इजी होती है, बल्कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की क्या होती है डिजाइनिंग क्या होती है कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें ऑटोमेशन हो जा रहा है, ये पूरा ऑटोमेशन है ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। ये लो एक्यूरेसी देता है, यानी कि अब लो एक्यूरेसी देगा क्योंकि इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं हो रहा अपने आप, जब तक आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम क्या हो रहा है कंट्रोल हो रहा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, तो ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल हो रहा है तो हमारी जो एक्यूरेसी क्या होगी वो हाई होगी, यानी कि हमारी अच्छी एक्यूरेसी आएगी। और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में ज्यादा ऑटोमेशन नहीं है इसलिए क्या है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है कंपैरिजन टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के, यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से सस्ता होता है, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है जो होता है वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे कि ओपन लूप और कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, आई थिंक आप पूरा समझ गए होंगे कि ओपन लूप क्या होता है क्लोज लूप क्या होता है एंड इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।